दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे बहुत स्वस्थ होंगे। तो पोल्ट्री फार्मिंग की और एक वीडियो में आप सभी को दिल से मैं स्वागत करता हूँ। तो आप देख रहे हो कि कुछ दिन पहले मेरे फार्म में लिफ्टिंग हो चुका है और लिफ्टिंग होने के बाद जो भूसा होता है जिसमें बाट्स रहती है वो भूसा पूरी तरह से फेंकना पड़ता है। तो अभी मैंने जो दो लेबर लगाया है जो इस भूसे को फेंकने के काम कर रहा है और अच्छी तरह से जो भूसा होता है उसको फेंकना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी अगर भूसा या फिर जो बड़े बाट का जो पालक है वो अगर फार्म के अंदर रह जाएगी तो छोटे बाट जो आने वाली है उसमें पॉइजन स्प्रेड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो कोशिश कीजिए कि अच्छी तरह से जो बाट्स का जो पुराना वाला भूसा है उसको फेंक देने की और दो तीन बार झाँटा से झाँट देने की। तो जो डस्ट एक बार छोटे से छोटे डस्ट अगर रह जाएगा, आप देख सकते हो मैंने झाँटा से भी अच्छी तरह से इसको जो मैले है उसको फेंक दिया है। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छी तरह से छोटे डस्ट को भी जो फार्म के कोने कोने पे रहती है उसको फेंक देने की, और जो पानी का चिक्स ड्रिंकर है जो फीडर है उसको अच्छी तरह से क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी बाहर की तरफ उसको रख दिया है और उसके कुछ दिन बाद फार्म को क्लीनिंग करने के बाद उसके बाद उस ड्रिंकर को क्लीन करके उस फार्म के अंदर फिर से मैं ले आऊँगा। और क्लीन करने के बाद फॉर्मालिन से एक दो दिन स्प्रे करने की भी कोशिश कीजिए, चून से सैनिटाइज करने की भी कोशिश कीजिए, जो आगे चल के वीडियो में बनाता रहूँगा। और आप ये बोल सकते हैं कि माइनर से माइनर प्रॉब्लम अगर आपका फार्म के अंदर रह जाएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम इस चालान के अंदर है जिसके वजह से आपका रिपोर्ट ख़राब हुआ है, या फिर बोल सकते हैं कि कुछ फंगस है इसे जिसके बाढ़ में इम्पैक्ट आ सकता है, तो वो अगली वाली चालान में आपका लॉस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि जितनी अच्छी तरह से फार्म को क्लीनिंग करेंगे, जितनी अच्छी तरह से जो फार्म के मकड़ी का जाले है या फिर जो लीटर है या फिर जो पानी का जो पाइप के पास थोड़ी बहुत मैले लगा होता है, फीडर का जो दड़ी होता है, फीडर का जो रोप होता है उसके ऊपर भी बहुत सारे मक्खियाँ बैठती है, उसको क्लीन करने की। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, जय हिंद।